जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी गुरुजी की एक और रहमत का सत्संग है। कैसे गुरुजी ने आंटी के पूरे परिवार को एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया, ये अपने आप में एक मिरेकल आप कह सकते हैं हमारी भाषा में। बहुत प्यारा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया सूरत से सोनू आंटी जी ने। हाँ जी, सूरत से सोनू आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। और ये सत्संग संगत जी वीडियो फॉर्मेट में है, वीडियो रिकॉर्डेड सत्संग है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। ये सत्संग दिवाली का है। हम लोग दिवाली सेलिब्रेशन के लिए हमेशा अपने इन-लॉज के वहाँ जाते हैं, तो इस बार वहाँ जाने का प्रोग्राम नहीं था हमारा। तो बार बार फेसबुक पर मैसेज आ रहा था कि मैं बड़ी जल्दी तेरे पूरे परिवार को बर्थडे मंथ बुला रहा। मैं बार बार देख रही, मैं कहा गुरु जी है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, जब हम दिल्ली आ ही नहीं रहे तो आप कैसे बुलाओगे। ये हर 15 दिन से रोज आ रहा था मैसेज। और हमारा प्रोग्राम था माउंट आबू अहमदाबाद जाने का। सडनली हमारा एक दिन में ही प्रोग्राम बना कि हम वहाँ नहीं जा रहे, बॉम्बे चलते हैं। तो वहाँ बॉम्बे गए हम, वहाँ मंदिर होकर आए। जैसे ही हम खारघर से मंदिर आ रहे थे तो वो रास्ता बहुत खराब था। एक बार हम ब्रिज पे चढ़ गए गलती, फिर 12 किलोमीटर वापस आए, फिर दूसरे रास्ते पर भटक रहे वो कर रहे। मैंने कहा गुरु जी ऐसा नहीं कि आपने बुलाया तो पूरा लेके जाओ। इतना स्लम एरिया वहां पर, पता नहीं हमारी गाड़ी, मतलब एक गाड़ी जा रही है तो दूसरी गाड़ी वहां से टर्न नहीं ले सकती थी, इतनी स्पेस कम था वहां का। पता नहीं ऐसे झोपड़ी से कोई जैगुआर गाड़ी निकली और हमारे पूरे मंदिर तक हमारे को लेकर गई वहां तक। और जैसे ही मंदिर आया वो गाड़ी कहाँ है, मतलब दिखी ही नहीं वो गाड़ी कहाँ गई है, मंदिर में भी नहीं आई। फिर उसके बाद हमने मंदिर में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जोड़ा घर से मैं जैसे बाहर निकलने लगे तो अंकल बोले कि आंटी आप कहाँ से। मैंने कहा सूरत से। तो बोले आंटी आप ध्यान से जाना। तो मैंने कहा ध्यान से क्यों, वो लेकर आया तो लेकर भी जाएंगे, गुरु जी हमारे साथ हैं। तो बोले नहीं आंटी आप ध्यान से जाना। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने वही वो वापिस आना था पर हम वापिस नहीं आए, हमने वही स्टे किया। नेक्स्ट डे हम आए और हाईवे पर 110 की स्पीड पर हमारी गाड़ी, और एकदम से अचानक से कोई आया आगे, एकदम से गाड़ी रोकी। और मतलब चाहे वो डिवाइडर से जाके टकराती या उसका क्या होता वो गुरु जी जानते हैं कैसे उन्होंने हमारे को बचाया और उसको भी बचाया जो गाड़ी के आगे आने वाला था। तो उन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया था हमारे को कि आंटी ध्यान से। तो जैसे ही एकदम से वो लगा तो आगे बेटा बैठा था वो एकदम बोला पापा ध्यान से। तो वो ही वर्ड उसका ही आया संगत का कि कैसे उन्होंने बोला था कि आंटी ध्यान से, तो वही बेटे ने भी अपने पापा को बोला पापा ध्यान से। तो एकदम से वही माइंड में घूमा कि गुरु जी ने पहले ही अलर्ट किया था हमारे को और हम समझे नहीं थे। और ठीक ठाक उन्होंने घर पहुँचाया हमारे को। बस शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना। चलो सब क्लास।